Good morning, friends. My name is Manisha Thomas और मैं आज एक ऑनलाइन लेक्चर लेकर आई हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पीरियोडिक टेबल दैट वाज यूजफुल फॉर ऑल द 11th एंड 10th क्लास स्टूडेंट एज वेल एज आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टुडे आई विल एक्सप्लेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, their general characteristics and general properties. So students, ये वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स, यू कैन सी देयर इट एंड दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर यू स्पेशली फॉर 10th एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम I will explain my lecture, my topic, that is group first elements alkali metal. First I will discuss about S block elements, general discussion about S block elements, and after that I will explain alkali metals in this video and alkali earth metals, which is second group of S group elements, I will explain in my second lecture. In this lecture I will only explain एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगी व्हिच आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स, बट सम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स आर हियर। सो लेट्स सी द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स the outermost s orbital. Yes, in my previous video, you can see my previous video, I have discussed about what are s block elements and how they are called s block elements and what are pa block elements or d block or f block. The reason behind that, the name of s, p and d block elements. So I'm not discussing here much more about that. So just it is that कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, एंटर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर आर टू ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स। देयर इज वन एलिमेंट दैट व्हिच इज हीलियम, इट इज आल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। So there is two groups, first and second group, which are called S block elements in the periodic table. The elements of group first include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These elements are known as alkali metals because they form hydroxide on reaction with water, which are strongly alkaline in nature. जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स। एज वी ऑल नो दैट कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें हमारा लिथियम हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम होते हैं और ये सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स क्योंकि इनके ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और स्ट्रॉन्गली हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड ग्रुप, द सेकंड ग्रुप ऑफ ग्रुप इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। Why they are called alkali earth metals? Because they form oxide and hydroxide like alkaline metals. They are form hydroxide and oxides of alkaline metals. And these metals oxides are found in the earth crust. That is why they are called alkali earth metals. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर में एल्कलाइन होते हैं एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो
This is the introduction. Now I will explain my first group. This is elements alkali metals. क्या होते हैं ये first group के elements? कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया जैसे कि lithium, beryllium, lithium, sodium, potassium. These first group elements are called S block elements and these are called alkali metals. Alkali metals जो होते हैं उनकी physical और chemical properties एक regular trend में होती है, एक रेगुलर वे में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ ग्रुप में इंक्रीज होती है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स. और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप में एक जैसे ऑर्डर में इंक्रीज होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज व्हाई उन सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है. तो सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जितने भी एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है. NS1 का मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है और एस ऑर्बिटल में हमें पता है कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, या तो 1 and 2, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द एस ऑर्बिटल. तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एंटर करता है, जिसकी वजह से इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सभी का इंक्लूडिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS1, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स. ये आप अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में ये 1 होगा, 1s1 लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. अगर आप सेकेंड पीरियड की बात, अकॉर्डिंग टू पीरियड 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में. हर पीरियोडिक टेबल में एक मेटल प्रेजेंट मीन्स एक एलिमेंट प्रेजेंट है अल्कलाइन मेटल्स का, और हर उसी के अकॉर्डिंग आउटर जो इलेक्ट्रॉन होगा एस ऑर्बिटल में वो उसी सेल में जाएगा जिस सेल में उनका वो पीरियड है, जो पीरियड है. जैसे कि आपका फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है तो उसका 1s1 लिखेंगे. अगर लिथियम सेकेंड में होता है तो उसको 2s1 लिखेंगे, आउटर मोस्ट जो बैलेंस सेल होगी. अगर सोडियम की बात करें तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, उसमें NS1 आएगा. फोर्थ पोटेशियम होता है तो NS4 आएगा. देन रुबिडियम में 5s1 आएगा, सीजियम में 6s आएगा, s1 आएगा, और फ्रांशियम में 7s1 आएगा. मीन्स जिस भी पीरियड का वो एलिमेंट है, there are 7 periods and 7 elements in first group, so each valence cell will be that cell which is its period. 1 ke liye 1 aur 2 ke liye 2. So this is electronic configuration here. Agar isme se aap ek electron ko nikal jata hai to in sare metals ki tendency kya hoti hai, they can be removed 1 electron, so they can exist occupy इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. अगर एक इलेक्ट्रॉन में से निकल जाएगा तो एटम कैसा हो जाएगा, सारे एटम्स कैसा हो जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, इनर्ट गैसेस. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन फर्स्ट एस यानी कि अल्केलाई मेटल. नाउ सेकेंड इज एटोमिक एंड आयोनिक रेडियाई. Atomic and ionic radii of alkali metals increases on moving down the group. जैसे जैसे आप group में up to down जाएंगे, from lithium to या hydrogen to या lithium इसे हम include करते हैं क्योंकि metals होते हैं वहाँ से, lithium to cesium, that the size of atoms will increase. With increasing the size of atoms, atomic and ionic radii will be increased. But if we are asking about it, कि suppose करिए कि sodium का atomic number कितना होता है, 11 होता है, उसकी atomic radii something है, उसके बाद वो sodium ने एक electron lose कर दिया, Na positive बनाया, तो उसकी radii और उसकी cation और parent ion की radii में क्या difference, parent atom की radii में क्या difference होगा? तो हमेशा जो cation की radii होती है, वो atomic जो कैटायन होता है उसकी रेडियाई से कम होती है. बिकॉज हमने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था. अगर सोडियम की बात करें तो वो 3s1 इलेक्ट्रॉन था, और वो 3s1 का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
दैट इज वाई जो आयन होता है उसकी पेरेंट आयन से एटॉमिक जो रेडियाई होती है, आयनिक रेडियाई होती है, वो लेसर होती है. बट आई होप समझ में आ गया. वैसे ग्रुप में फ्रॉम अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बोथ आर इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy means removal of electron. The energy which is required to remove electron or for ionization, that is called ionization enthalpy. The ionization enthalpies of the alkaline metals are generally low and decrease down the group. आप lithium से cesium में जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ionization enthalpy क्या होगी? Decrease होगी, क्योंकि ये metals होते हैं, इनकी electropositive nature होती है. रीजन क्या होता है? सिंस एल्कलाइन मेटल्स पर दिस लार्ज एटॉमिक साइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव. जैसे जैसे आपको मींस आपको एनर्जी कम नीडेड होगी, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से ऑर्बिटल दूर चले जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो उसके लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से फ्रॉम लिथियम टू सीजियम लोअर आने पर एटॉमिक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन आने पर मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज होता है, और जो न्यूक्लियस पे वो होता है एटॉमिक रेडियाई होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका की वजह से डिक्रीज होती जाती है. थर्ड वन इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स small hydrate will be the effect of on hydration enthalpy. Smaller the size of the ion, more is the tendency to get hydrated, hence more is the hydration enthalpy. If we are talking about order of hydration enthalpy, then it will be decreased from lithium to cesium continuously. Lithium ki hydration energy enthalpy sabse zyada hoti hai aur cesium ki sabse kam hoti hai. ठीक है, तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ